नमस्कार दोस्तों, मैं श्रोता तिवारी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल रेड ब्रॉडकास्ट में। दोस्तों, आज के समय आपको भारत में बन रही नई एवं आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से जुड़ी जानकारी दूंगा, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आखिर ये नई एवं आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें कहाँ पर बनाई जा रही हैं, और साथ ही दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊँ कि आखिर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को लाने की तैयारी कैसे चल रही है, और दोस्तों वंदे भारत ट्रेनों के लिए किस तरह के पहिए इस्तेमाल होंगे, और वंदे भारत ट्रेन की रफ्तार क्या होगी। और दोस्तों मैं आपको ये बताऊं कि आखिर नई आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब तक तैयार होगी और उस ट्रेन की खासियत क्या रहेगी। दोस्तों और भी कई महत्वपूर्ण जानकारी आपको आज के वीडियो में जानने को मिले, इसलिए दोस्तों हर महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। चलिए दोस्तों, हम लोग नई आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ी हर जानकारी को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से ऐलान किया था कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर 75 सप्ताह में 75 शहरों को जोड़ने वाली 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाई जाएंगी। दोस्तों, अब भारतीय रेलवे ने प्रधानमंत्री के इस वादे को पूरा करने के लिए इस ऐलान के बाद पहली वंदे भारत ट्रेन इसी साल दिसंबर में बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों, रेलवे ने ये जिम्मा अपने चेन्नई स्थित सवारी डिब्बा रेलखाना यानी कि ICF चेन्नई को दिया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज 9 महीने पहले नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के जिस बेड़े का ऐलान किया था, उनमें से ऐलान के बाद की पहली दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का ये ढांचा तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, ये वंदे भारत ट्रेन लगभग बनकर तैयार भी हो चुकी है, और दोस्तों ये ट्रेन इसी साल 15 अगस्त से पहले बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों, दूसरी वंदे भारत ट्रेन सेट भी इसी साल दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों, तैयार ट्रेन सेटों को रेलवे को सौंप दिया जाएगा, फिर रेलवे बोर्ड ये तय करेगा कि किस रूट पर और कब से कब चलाना है। दोस्तों, टारगेट के अनुसार अगस्त 2023 तक सभी 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें बनकर तैयार हो जाएंगी। दोस्तों, ICF चेन्नई दुनिया की सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री है। यहाँ रोजाना 7,000 से 10,000 तक सामान्य रेल डिब्बे बनाए जाते हैं। दोस्तों, मौजूदा समय में भारत में कुल 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, और दोनों ICF चेन्नई ने ही बनाई है। दोस्तों, अब 75 की संख्या को पूरा करने के लिए चेन्नई में अगस्त 23 तक 73 वंदे भारत ट्रेन सेट और बनाए जाने हैं, और सो इनमें से एक में 70% काम हो चुका है, और ये ट्रेन इसी साल दिसंबर में बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों, इसके इंटीरियर का काम भी लगभग पूरा हो चुका है और सीटें लगनी बाकी हैं। दोस्तों, इन आधुनिक वंदे भारत ट्रेनों के लिए खास तरह के पहिए यूक्रेन से आने थे। यूक्रेन ट्रेन के पहिए बनाने के लिए खास तौर पर जाना जाता रहा है, लेकिन दोस्तों इसी बीच युद्ध हो जाने से वहाँ के पहिए काफ़ी मुश्किल हालात में भारत लाए गए हैं। दोस्तों, अभी ये बेंगलुरु में बोगी में लगाए जा रहे हैं, और वहाँ से जल्द ही ICF लाकर इन ट्रेनों में लगाए जाएंगे। दोस्तों, अन्य वंदे भारत ट्रेनों के लिए पहिए चीन से आयात किए जा सकते हैं। इसके अलावा आगे के लिए ये पहिए अब भारत में ही बनाए जा सकें, इसकी भी तैयारी की जा रही है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि आखिर नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की क्या होगी रफ्तार। दोस्तों, वंदे भारत ट्रेनों को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर टेस्ट किया जाता है, लेकिन इन्हें 160 की रफ्तार पर चलाया जा सकता है। दोस्तों, हालांकि अभी देश के अधिकांश रूटों पर ट्रैक ऐसे नहीं है कि जो कि ट्रेनों को 160 पर चलाया जा सके, इसलिए दोस्तों इन ट्रेनों को फिलहाल 130 की रफ्तार पर चलाया जाएगा। दोस्तों, ट्रैक अपग्रेड होने पर इन ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ाई जा सकेगी, जिससे कि लोगों की यात्रा कम समय में पूरी हो जाएगी। दोस्तों, हम बात आती है कि आखिर कब तक तैयार होगी नई वंदे भारत ट्रेन। दोस्तों, ICF के जनरल मैनेजर अतुल कुमार अग्रवाल ने कहा कि इस साल 15 अगस्त तक 2 वंदे भारत रेलगाड़ी तैयार हो जाएगी, जबकि दोस्तों अगले साल 15 अगस्त तक सभी 75 वंदे भारत रेलगाड़ी बनकर तैयार हो जाएंगी। और उन्होंने वंदे भारत रेलगाड़ी में चीनी पहिए लगने को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि प्रारंभिक चरण में यूक्रेन से कुछ पहिए आने थे, इसके अलावा कुछ अन्य देशों से भी इसके पहिए आने वाले थे, जिसकी वजह से कुछ भ्रांतियाँ पैदा हुई हैं। यूक्रेन युद्ध की वजह से पहियों की सप्लाई भी रुकी थी। तो खास बात यह भी है कि नई एवं आधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हो रहा है, जिसमें दोस्तों अधिकतर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उपकरण भारत में ही बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, अब बताते हैं कि आखिर नई एवं आधुनिक वंदे भारत ट्रेन की खासियत क्या होगी। दोस्तों, नई वंदे भारत ट्रेन पहले के मुकाबले काफ़ी आरामदायक होगी। दोस्तों, मौजूदा वंदे भारत ट्रेनों की सीटों को लेकर यात्रियों की काफ़ी शिकायतें आई थी, जिसके बाद अब नई वंदे भारत ट्रेनों में शताब्दी ट्रेनों की सीटें ही लगाई जाएंगी। और दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में कुल 400 वंदे भारत ट्रेनें लाने का ऐलान किया था। पहली 75 ट्रेनें शताब्दी की तरह डे ट्रेनें होंगी, यानी सुबह या दोपहर में चलकर रात 10:30 से पहले अपने गंतव्य पर पहुँच जाएंगी, इसलिए इनमें सिर्फ चेयर कार होंगी। लेकिन दोस्तों, भविष्य में इन ट्रेनों में राजधानी ट्रेनों की तरह स्लीपर एसी कोच भी लगाए जाएंगे। दोस्तों, वंदे भारत ट्रेनों में 16 डिब्बे होते हैं, जिनमें 2 एग्जीक्यूटिव क्लास कोच होते हैं। इनमें सीटें 180 डिग्री तक घूम जाती हैं, और दोस्तों इससे यात्री विंडो फेसिंग होकर यात्रा का आनंद ले सकते हैं।
दोस्तों फिर एक दूसरे की ओर फेसिंग होकर मीटिंग रूम की तरह बैठ सकते हैं। दोस्तों वंदे भारत ट्रेनें में कुल 1128 सीटें हैं और इन ट्रेनों को इंजन लेस ट्रेनें भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अलग से इंजन नहीं होता बल्कि हर दूसरे डिब्बे के नीचे प्रोपल्शन सेट लगा होता है, जिससे ये ट्रेन तेज एक्सेलरेशन पाती है। इस ट्रेन में दोस्तों आग से बचाव के उपाय भी किए गए हैं, इसमें प्रेशर भी लगाया गया है। दोस्तों यही थी नई एवं आधुनिक वंदे भारत ट्रेन से जुड़ी जानकारी। आपको ये जानकारी कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएगा। और भी ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।